स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। आधुनिक युग में खराब जीवन शैली के कारण हम अस्वस्थ रहने लगे हैं। इन सब के कारण हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। अंत हमें स्वस्थ रहने के लिए अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यदि अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में हम कुछ बातों का ख्याल रखें तो ऐसे में हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इस लेख में हम आज कुछ ऐसे नियम बताएंगे जो स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है। तो आइए इन्हीं नियमों के साथ अपने लेख की शुरुआत करते हैं। पहला तो संतुलित आहार लें। ये बात तो आप भी मानते होंगे कि हमारे खान पान का सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। उदाहरण के लिए यदि हम तली भुनी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक तथा जंक फूड इत्यादि का सेवन करते हैं तो ऐसे में हमारे शरीर में वसा वजन बढ़ने लगती है। ये चीज़ें हमें ना सिर्फ मोटा करती है बल्कि हमें कोई बीमारियों की तरफ भी ले जाती हैं। इसी तरह यदि हम अपने आहार में हरी सब्जियां, मछली, अंडे, फल, दूध इत्यादि चीज़ों को शामिल करते हैं और इनका सेवन करते हैं तो ऐसे में ना सिर्फ हम फिट रहते हैं बल्कि हमें बीमारियों से भी दूर रहते हैं। इसलिए अपने आहार का संतुलित रखना बहुत जरूरी है। इस बात का ख्याल रखें कि अपने आहार में संतुलित मात्रा में प्रोटीन, विटामिन्स तथा अन्य मिनरल्स की मात्रा अवश्य शामिल रहे। चलिए जानते हैं सेकेंड नंबर, जो कि है पर्याप्त नींद लें। शरीर का स्वास्थ्य रखने के लिए सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात को जल्दी सोना चाहिए। प्रतिदिन अनुशासन से भरपूर दिनचर्या का पालन करने से सिर्फ हम स्वस्थ रहते हैं बल्कि हम प्रसन्नता का भी अनुभव करते हैं। रात में जल्दी सोने से हमें सुबह जल्दी उठने में मदद मिलती है। यहाँ तक कि जल्दी सोने के बाद अगर हम सुबह जल्दी उठ भी जाते हैं तब भी हमारी नींद पूरी हो जाती है। हमें जितने घंटे का नींद लेनी चाहिए उतने घंटे की नींद हमें मिल जाती है, जिससे हमारे शरीर की विभिन्न प्रक्रिया भी सही ढंग से होती है। समय पर सोने और समय पर उठने से न सिर्फ शारीरिक लाभ मिलते हैं बल्कि इससे कोई मानसिक लाभ भी मिलते हैं। इसके द्वारा हम सकारात्मक महसूस कर सकते हैं। चलिए जानते हैं नेक्स्ट, तीन नंबर जो फायदा है वो है थर्ड नंबर, सुबह का नाश्ता जरूरी। चलिए जानते हैं स्वस्थ रहने के लिए समय के अनुसार काम करना चाहिए, जैसे समय पर नाश्ता करना, सुबह सही समय पर नाश्ता करने की आदत डालनी चाहिए। एक रिसर्च में इस बात की पुष्टि की गई है कि जो लोग नाश्ते में पोषण से भरपूर चीज़ें लेते हैं वे पूरा दिन तरोताज़ा महसूस करते हैं, इसी के साथ उनका वजन भी संतुलित रहते हैं। तो चलिए हम नाश्ते में अंडे, दूध, मक्खन तथा फल इत्यादि का सेवन कर सकते हैं। बेहतर है कि नाश्ते में पूरी पराठे या तली भुनी चीज़ें की जगह पर दलिया का सेवन किया जाए। इससे हमें संपूर्ण दिन ऊर्जावान होने की अनुभूति होगी, इसी के साथ चिड़चिड़ापन भी दूर होगा। चलिए जानते हैं हम चार नंबर जो चीज़ें वो क्या कर सकते हैं। पर्याप्त जल का सेवन करें। स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त जल का सेवन करना चाहिए। ज़्यादातर देखा जाता है कि लोग सुबह उठकर सबसे पहले चाय पीते हैं। स्वस्थ की नज़रे से यदि देखा जाए तो यह आदत सही नहीं है। सुबह खाली पेट चाय नहीं पीना चाहिए बल्कि चाय पीने से पूर्व खाली पेट गुनगुने पानी का सेवन करना फ़ायदेमंद होता है। इसी के साथ हम पूरे दिन पर्याप्त जल का सेवन करना चाहिए। CDC की एक रिपोर्ट के अनुसार एक दिन में एक व्यक्ति को लगभग 5 से 6 मिलीलीटर पानी का सेवन करना चाहिए। प्रतिदिन हम कितने पानी का सेवन करें यह तो व्यक्ति का उम्र तथा लिंग पर भी निर्भर करता है। पर्याप्त जल का सेवन करने से हमारे शरीर में जल की आपूर्ति होती है और इसी के साथ शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थ को शरीर से बाहर निकलने का भी एक माध्यम मिल जाता है। हम अपने शरीर में जल का पर्याप्त मात्रा को पूर्ण करने के लिए फलों तथा सब्जियों की जूस का भी सेवन कर सकते हैं। चलिए जो पांच नंबर है वो हम जान लेते क्या करना चाहिए। वर्कआउट और व्यायाम करें। स्वस्थ रहने के लिए वर्कआउट करना अत्यंत जरूरी है। हमें प्रतिदिन 30 से 40 मिनट तक व्यायाम करना चाहिए। प्रतिदिन व्यायाम करने से शरीर में ऊर्जा की एक प्रणाली बनी रहती है। इसी के साथ साथ यदि शरीर में एक्स्ट्रा फैट वो वसा मौजूद है तो वो भी ख़त्म हो जाता है। तो सुबह उठकर व्यायाम करना शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। योगा तथा ध्यान लगाना भी एक अच्छी प्रक्रिया है। यदि हम बिल्कुल भी व्यायाम नहीं करते हैं तो कोशिश करें कि आज से ही व्यायाम की शुरुआत करें। शुरुआत के दिन में आप भले ही 2-3 मिनट व्यायाम करें लेकिन इसकी आदत अवश्य डालें।
शरीर को पतला रखने के लिए स्विमिंग करनी चाहिए। तो थैंक यू।